बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मईशत पाकिस्तान के मसाइल वाला पेपर जो आपका है पार्ट वन का, उसकी असाइनमेंट नंबर थ्री पे बात करेंगे। आज के असाइनमेंट में आप के लिए जो क्वेश्चन है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के तनाजर में बेरोज़गारी की पैमाइश के तीन तरीके ज़ेर बहस लाएँ। ठीक है, बेरोज़गारी की पैमाइश आप कैसे कर सकते हैं, इसके तरीके मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, वही आपने डिटेल में बयान करने हैं। अब जबकि यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर दी गई है तो आप उसमें एग्जांपल्स जो उस तरह से देंगे वो पाकिस्तान के हवाले से होंगी, लेकिन तरीके वही हैं जो आपको बेरोज़गारी की पैमाइश के मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, उसके अंदर किस तरह से आप जो है वो तफसील के साथ उनको बयान करेंगे, और ये एक पार्ट के क्वेश्चन के तौर पर आता है, टोटल 25 का नहीं आता क्योंकि ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, बेरोज़गारी क्या है? बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बेरोज़गारी के। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मुल्क में जो कुल अफरादी कुव्वत होती है या लेबर फोर्स होती है, उस में से जितने अफराद बेरोज़गार होते हैं उसकी फिर परसेंटेज निकाल दी जाती है तो वो बेरोज़गारी की शरह मिल जाती है हमें। तो लेबर फोर्स यहाँ पे क्या है, लेबर फोर्स अब पूरी पॉपुलेशन को आप नहीं लेंगे, बल्कि लेबर फोर्स वाले वो अफराद होते हैं जिसमें हम 15 साल से कम उम्र के अफराद और बूढ़े अफराद को शामिल नहीं करते हैं, 60 साल से ऊपर जो मतलब अफराद उनको शामिल नहीं करते, बल्कि इसके दरमियान के जो अफराद हैं वो सिर्फ लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो काम करने की कुव्वत भी रखते हैं और काम करने का इरादा भी रखते हैं, उनको अगर काम ना मिल रहा हो तो हम उन्हें बेरोज़गार तसव्वुर करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा कोई बेरोज़गार काम नहीं कर रहा तो उसे हम बेरोज़गारी में शुमार नहीं करेंगे, अगर कोई बूढ़ा काम नहीं कर रहा तो हम उसे बेरोज़गारी में शुमार नहीं करते हैं। इन जनरल तो इस तरह से हम बेरोज़गारी को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली इसके लिए पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं इकोनॉमिस्ट्स की तरफ से, तो वो तरीके आपने यहाँ पर डिटेल में लिखने हैं। ओके, चलें, ठीक, अल्लाह हाफिज़।